पहले आप सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दावा किया गया है कि इसमें जो आदमी दिख रहा है बच्चे के साथ, उस आदमी ने इस बच्चे को करीब 14 महीने से किडनैप कर अपने पास रखा हुआ था। जब ये पुलिस वाले को ये आदमी मिलता है और बच्चे को जब उससे छीन रहे होते तो उस टाइम पे वो बच्चा उस आदमी से लिपट कर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यही नहीं, इस बच्चे को जब उसकी माँ को भी दिया जाता है तो उस टाइम पर वो अपनी माँ के पास भी काफ़ी ज़्यादा रोता है और उस जो आदमी होता है जिसने इसको किडनैप करके रखा था उसको पापा पापा कह के बुलाने लगता है। तो क्या आखिर क्या है इस वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई, क्या है पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी भी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो घटना है 14 जून 2023 की। उस दिन राजस्थान के जयपुर के एक इलाका है वाटिका, वहाँ पर एक माँ अपने 11 महीने के छोटे बच्चे को घर के आंगन में खेलता हुआ छोड़कर घर के अंदर कुछ काम करने के लिए चली जाती है। बच्चा यहाँ पे घर के आंगन में खेल रहा होता है और माँ अपने घर के अंदर कुछ काम कर रही होती है। तभी कुछ देर के बाद उस घर के आंगन में 4 लोग आते हैं। उसमें से एक आदमी बच्चे के पास जाता है और बच्चे के मुँह पर हाथ रखकर बच्चे को वहाँ से लेकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय बीतता है, जो माँ अंदर काम कर रही थी वो बाहर से बच्चे का कुछ भी आवाज़ नहीं आता। जब कुछ भी आवाज नहीं आता है तो वो देखने के लिए आती है कि आखिर मेरा बच्चा कुछ भी आवाज क्यों नहीं कर रहा है। जैसे वो बाहर आती है तो वहां पर उसको उसका बेटा नहीं मिलता है। वो काफी ज्यादा ढूंढती है, करके बाहर जाती है, अड़ोस पड़ोस में जाके पूछती है कि आपने मेरे बेटे को देखा है? तो सब लोग बताते हैं हमने तो नहीं देखा है। ऐसे ही काफी देर तक ढूंढने के बाद जब बेटा नहीं मिलता है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है और फिर पुलिस थाने में चली जाती है। पुलिस थाने में जाने के बाद बच्चा गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब पुलिस वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं लेकिन उनको आसपास कहीं पर भी बेटा नहीं मिलता है। तो वो लोग सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है तो उसमें 4 लोग दिखाई देते हैं जिसमें से एक आदमी के पास वो बेटा होता है और वो लेकर उसको जा रहा होता है। जब उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो वहां पर किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। ऐसे ही काफी सारा समय बीत जाता है। जब समय बीत जाता है और आदमी नहीं मिलता है तो उस आदमी के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जाता है कि जो भी इसके बारे में कोई भी जानकारी देगा उसको 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा। फिर भी कुछ समय और बीत जाता है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आती है। फिर कुछ समय बाद कुछ इनको जानकारी मिलती है पुलिस वालों को कि ये जो आदमी है उसका नाम तनु चहर होता है और वो यूपी के एक पुलिस थाने में एज अ हेड कांस्टेबल नौकरी कर रहा होता है। तो वो लोग उस पुलिस थाने में जाते हैं और तनुज चहर के बारे में छानबीन शुरू करते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उसके जो ऊपरी अधिकारी है वो कहते हैं कि ये जो आदमी है वो काफ़ी दिनों से नौकरी पर आया नहीं है और साथ ही इसके ऊपर कुछ केस भी चल रहा था जिसके चलते इसको सस्पेंड अब कर दिया गया है और अब भी ये कहाँ पर है इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे पुलिस वालों को यहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगती है, उनको वहाँ पर भी कुछ मिलता नहीं है। अब पुलिस फिर से यहाँ पर आ जाती है और इसकी फिर से खोजबीन शुरू कर देती है लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे समय बीतता रहता है, टोटल 14 महीने बीत जाते हैं। 14 महीने बीतने के बाद पुलिस वालों को एक खबरी के तहत कॉल आता है और कॉल में वो कहता है कि जिस आदमी की आपको तलाश है वो आदमी मथुरा के एक गांव में उसके जंगल के अंदर एक कुटिया बनाकर रह रहा है। जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, जो जो जगह बताई गई थी उस जगह पे जाते हैं। जगह पे जाने के बाद उस कुटिया को चारों ओर से घेर लिया जाता है। घेरने के बाद जब कुटिया के अंदर जाते तो वहाँ पर ये आदमी और जो बच्चा था वो दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं और जैसे वहाँ पर मिल जाते हैं उसके बाद पुलिस वाले उससे उस बच्चे को छीन लेते हैं और उसको अपनी माँ को सौंप रहे होते हैं और तभी वो जो बच्चा है इस तरह से लिपट कर रोने लगता है और उसी टाइम वहां पर कोई आदमी इसका वीडियो ले लेता है। वीडियो लेने के बाद उसको सोशल मीडिया पर डालता है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। इसके बाद जब इस आदमी से पूछताछ होती है तो इसकी जो इस वीडियो की जो पूरी जो सच्चाई है, जो भी कहानी है वो सामने आती है। तो वो आदमी बताता है अभी से कुछ साल पहले उस आदमी की यूपी की एक लड़की के साथ शादी हुई होती है। वो दोनों साथ ही रहते हैं, कुछ समय बीतता है लेकिन उसके साथ जो शादी हुई है उस लड़की के साथ इसकी अनबन हो जाती है। दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है जिसके चलते वो जो लड़की थी वो इसको छोड़कर अब चली जाती है। ये इसकी पहली शादी थी। इसके बाद कुछ समय बीतता है, उसके बाद ये अपने बुआ के घर पर आया जाया करता होता है तो बुआ की एक लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है। अब पूनम के साथ इसकी बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद इन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और यहाँ पर पूनम को भी इसके साथ
प्यार हो जाता है। अब क्योंकि दोनों मामा और बुआ के लड़के और लड़की थे तो वो लोगों को परिवार से बात करते कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले इसके खिलाफ थे। वो मना करते हैं कि आप इस तरह से शादी नहीं कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इस वजह से वो दोनों अब भाग जाने का फैसला करते हैं और भाग कर शादी कर लेते हैं। दोनों भाग कर शादी करते हैं तो परिवार वाले को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और काफ़ी ज़्यादा कलश भी होने लगता है। परिवार वाले इनसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करते हैं, आप इस तरह से शादी नहीं कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए लोग नहीं मानते और दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बीतता है, उसके बाद इन दोनों को एक बेटे का जन्म होता है। जब बेटे का जन्म होता है तो जो परिवार वाले और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कलश करने लगते हैं। साथ ही जो लड़की के जो माता पिता है वो लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालते हैं कि तुम अब वापस घर पर चले आओ। अब जबकि घर का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो लड़की है वो अब वापस जाने का फैसला लेती है। उस टाइम पर कहरे उसको कहता है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन पूनम इस बात को नहीं मानती है और उसके बेटे को लेकर वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो ये उसका जो बाप होता है वो अपने बेटे के वियोग में काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगता है और कैसे भी करके अब अपने बेटे को फिर से अपने पास लाना चाहता है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, घर वाले मानते नहीं है, तो वो अपने बेटे को किडनैप करने का फैसला लेता है। उसके बाद जब एक बार उसको टाइम मिलता है 14 जून के दिन, एक उसको समय मिलता है, एक उसको मौका मिलता है, तो अपने बेटे को इस तरह से किडनैप कर कर वो ले जाता है। उसके बाद वो जगह जगह पे इस तरह से घूमता रहता है और उसका जो पूरा भेस से अपना पूरा भेस बदल लेता है, साधु के भेस में आ जाता है, अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा लेता है जिसकी वजह से कि उसको कोई पहचान ना सके। ये सोचकर अपना पूरा हुलिया ही वो बदल देता है। इस तरह से वो अलग अलग जगह पर रहना शुरू कर देता है और अपना भागता फिरता है। यहाँ पर इस वीडियो में जो आदमी दिख रहा है वो असल में किडनैपर नहीं है, उसी बच्चे का असली बाप है और एक बाप ने अपने बेटे से जो प्यार और मोहब्बत थी उसकी वजह से अपने बेटे को किडनैप किया था बस अपने पास रखने के लिए। तो आदमी इस तरह से अलग अलग जगह पे भागता फिरता है और जब किसी एक आदमी की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है, पहचान लेता है, तो वो पुलिस को इस तरह से कॉल कर बता देता है। पुलिस आकर इस तरह से उसको बच्चे को इसके बाद से ले लेती है। तो ये थी इस वीडियो की पूरी सच्चाई, जिसमें एक बाप अपने प्यार के बेटे के प्यार की वजह से अपने बेटे का ही किडनैप कर लेता है। अब आपकी क्या राय है, क्या इस आदमी ने जो किया वो सही किया या गलत किया, जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। तो साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।